हे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरा एक नया वीडियो में। एंड दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है KTM Duke 250 BS6 का सीट हाइट। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने टोटल 3 बंदे को जुगाड़ किया है, जिसमें मैं एक बंदा हूँ और मेरा दो एक फ्रेंड है। तो एक फ्रेंड का हाइट 6 फीट है और दूसरा एक फ्रेंड का हाइट 5 फीट है और मेरा हाइट 5.5 फीट है। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सा हाइट जो है परफेक्ट है KTM Duke 250 BS6 मॉडल में। तो सीट हाइट भी कितना है, आपका कितना हाइट होने के बाद आप लोग इसको बाय करोगे, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लो, जिससे इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा हाइट देख लेता हूँ कि इस बाइक में मेरे को कितना यहाँ पर मिलता है ग्राउंड के साथ। तो यहाँ पर अगर आप लोग मेरा दो तरफ का पैर देखोगे, इस तरफ और उस तरफ, तू इस तरफ आ जा, इस तरफ आ जा, सीधा आ जा, ठीक है। तो अगर आप लोग इस साइड से मेरा दोनों टाइप का पैर देखोगे, तो मेरा दोनों टाइप का जो पैर है, जो उंगली होता है, तो इस उंगली को थोड़ा थोड़ा दो पैर से ही टच मिल जाता है, ग्राउंड पे मिल जाता है। अगर मैं बूट पर के ट्राई करता हूँ तो देख सकते हो, बूट, वो जो बूट है उसका सामने थोड़ा सा यहाँ पर यानी मुझे मिल जाता है, ठीक है। बट उतना भी परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि एकदम से टैंकी के साथ मुझे चिपक के बैठना पड़ता है, बट उतना ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। तो यही है मेरा हाइट में, जो 5.5 अगर आपका हाइट है तो आपको इतना सा ही इसमें मिलेगा पैर, जो इतना सा ही आपका ज़मीन के साथ टच रहेगा अगर आपका 5.5 हाइट है, यानी आपका जो उंगली है वही उंगली जो है आपका ज़मीन के साथ टच, हल्का टच होगा। और आप लोगों का कोई दोनों साइड का ही आपको हल्का हल्का टच मिलेगा अगर आप बूट पैर के ट्राई करते हो। और अगर आप लोग नंगे पैर पे करते हो तो आपको एक साइड पे हल्का ज़्यादा मिलेगा और एक साइड पर आपको नहीं मिलेगा। तो अभी मेरा फ्रेंड देख सकते हो, जो 5 फीट का मैंने आपको बताया था, तो ये मेरा फ्रेन है जो 5 फीट का है। तो दोनों साइड का पैर रखने के लिए ट्राई कर, दोनों साइड, ठीक है। तो अगर देख सकते हो उसका पैर कितना यहाँ पर, अगर एक साइड पे वो पूरा टच करता है तो दूसरे साइड पे आप लोग पैर देख सकते हो कितना सा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और मैं दोनों साइड से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलो, तो अभी दो साइड के रखने के लिए ट्राई कर, दो साइड रख। तो अगर दो साइड रखता है तो देख सो सही तरीके से उसका पहुंच भी नहीं रहा, दो साइड में कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, एक साइड में सही तरीके से पहुंचेगा और एक साइड में कुछ भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आपका 5 फीट है तो ये बाइक तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपका 5 फीट हो रहा है तो आप लोग इस बाइक को बिल्कुल भी बाई मत करो, आपका जो हाइट बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा एंड आपको ग्राउंड के साथ ये पैर जो है आपका आएगा नहीं एंड आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो अगर आपका 5 फीट हाइट है या थोड़ा ज़्यादा है या थोड़ा कम है, तो इस बाइक को बाय करने के लिए आप लोग बिल्कुल भी सोचो मत, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो अभी मेरा ये फ्रेंड ट्राई करेगा जिसका हाइट 6 फीट है एंड उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा, इसका हाइट पूरा 6 फीट है, उससे ज़्यादा है बट कम नहीं है, ठीक है। तो अभी ये ट्राई करेगा बाइक में, तो चल बैठ, बाइक के अंदर बैठ। तो इसका अभी देखोगे कितना ग्राउंड के साथ जाता है। ओ भाई साहब, इसका देखो भाई, इसका तो पूरा दोनों साइड पूरा एकदम से, इसका पूरा आप लोग देख सकते हो, दोनों साइड का पैर देख सकते हो, पूरा ज़मीन के साथ एकदम से परफेक्ट है। तो अगर आपका हाइट 6 फीट है, उससे ज़्यादा है, या आपका हाइट 5.9 है, तभी इस बाइक को बाय करने के लिए आप लोग सोचो, क्योंकि इसका आप लोग पैर देख सकते हो पूरा एकदम से ज़मीन के साथ, आप लोग देख सकते हो पूरा लगा हुआ है, आप लोगों के सामने देख सकता हूँ, दिखाता हूँ, इस साइड भी देखो, यानी बिल्कुल परफेक्ट है। इसका हाइट 6 फीट है, तो आप लोग देख सकते हो इसका पूरा परफेक्ट है, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा इस बाइक को कंट्रोल करने में एंड पूरा इसका ग्राउंड के साथ इसका पैर जो है पूरा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप लोगों का भी हाइट 6 फीट है, आप लोग बेझिझक इस बाइक को बाय कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप गाइस, आज का जो वीडियो है इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या इस बाइक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना आपका हाइट कितना है, ठीक है, आपको ये बाइक जो है आपका हाइट के हिसाब से परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। सो गाइस, आई होप कि आज का जो वीडियो है इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा इस बाइक को बाय करने का डिसीजन में। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो पे अपने तरफ से लाइक कर देना एंड दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो इस तरह का KTM रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो, आज का वीडियो इतना ही, हम लोगों को फिर से मुलाकात होगी नए कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।